हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्टाइलिस्ट विद नीतू। और बहुत दिनों बाद जो है हम निकल गए हैं, आपको दिखेंगे डियर और समटाइम्स आपको एलिफेंट भी दिख जाएंगे है उसको कैप्चर करते हुए। रूम में आ गए हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सामने जो है लाइव काउंटर है, तो तुम बताओ तुम्हें खाना है तो? ओ हीरो, इतना ज्यादा ग्रीन, इतना ज्यादा पूरा मेकअप कर चुकी हूँ और मैं करेंगी, क्योंकि ये जो गाउन है उस बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अंधेरा हो चुका, मेरा पूरा सजना धजना एकदम बेकार। बहुत खिलसाते हो, सही है। मम्मी एंड पापा क्या है, और आज का सरप्राइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब जो है मैं चेंज करूंगी, फेस वॉश करूंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि आज पूरे दिन से ना काफ़ी जल्दी उठे थे और पूरे दिन से जो है यहाँ वहाँ घूमते घूमते जो है काफ़ी ज़्यादा थक गए। ये थर्ड डे का है, यहाँ पर देवांशु नहा चुके हैं और अब ये बच्चों को लेके जाएंगे और ये सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं बाद में इन्हें ज्वाइन करूँगी। बट उससे पहले जो है मैं सारा सामान जो है वो पैक कर लूँगी, और देवांशु भी काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं मेरी सारा सामान पैक करवाने के लिए, क्योंकि अब जो है हमें यहाँ से चेकआउट करना है और यहाँ से निकलना है। तो सारा सामान पैक करके और उसके बाद नहा कर हम ब्रेकफास्ट करने चले जाएँगे। तो यहाँ पर जो है देवांशु पहले ही बच्चों को लेकर आ गए थे और ये लोग जो है ब्रेकफास्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं। सबके घर का यही हाल है क्या, जैसे मेरे घर का हाल है कि मतलब बच्चे तो खाने में इतना लेट लतीफ है ना कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे बच्चों को पहले से ही लेकर आ गए थे, करवा रहे थे ब्रेकफास्ट, और मैं नहाने के बाद आई और फिर इन लोग को मैंने बाद में ज्वाइन किया। और खाना तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर हम गपशप भी मार रहे हैं, और यहाँ देखो मैं किसी की तो बात कर रही हूँ, कोई तो मुझे दिखा है उसी के बारे में कुछ बात कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरे रूम की ये कल के बलून। तो अब जो है हम लोग निकल रहे हैं, चलो आ जाओ मिस्टी। अब जो है हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं, रास्ते में दो तीन जगह जो है वो कवर करेंगे। मिस्टी जब आप लड़ाई में थक रहे हो तो आप बैक साइड चलो, इससे जो है हम थकते नहीं हैं। हाँ, कोटागिरी जो है बहुत सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है, ऊटी से बहुत ही बेहतर है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और अब जो है हम ऊटी में पहुंच चुके हैं, और ऊटी में ही एक बेंच मार्क करके एक टी फैक्ट्री है और नीचे जो है चॉकलेट फैक्ट्री है। और मिस्टी को बहुत ज़्यादा मन था यहाँ पर जाने का, तो बच्चे वैसे भी जो है जाते रहते हैं फील्ड ट्रिप वगैरह में, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर आए हैं तो इन्हें विज़िट करवा देते हैं, इनको थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से जो है हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जाते हैं। और सबसे पहले जो है नीचे चॉकलेट फैक्ट्री है, इसका टिकट आई थिंक 30 रुपीज़ पर हेड है, बच्चों का फ्री है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि मतलब पूरा ग्लास से है, आप बाहर से दूर से देख सकते हैं कि कैसे क्या बन रहा है। और बेसिकली यही हो रहा है कि जितने भी लेबर हैं वो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ बाहर से ऐसे देखते रहोगे, उस तरीके से है। और यहाँ पे जो है एक टीवी लगा हुआ है, टीवी में सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करने के बाद हम लोग टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए आए, और जब हम चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करते हैं तो वो एक चॉकलेट बार भी देते हैं पर पर्सन के हिसाब से, तो आप जितना पे करते हो उतना आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी जो है टी फैक्ट्री में भी इसी तरीके से है कि अगर आप टी फैक्ट्री विजिट करते हो तो आपको चाय टेस्ट करने के लिए मिलती है, वहाँ पर काफ़ी वेराइटी ऑफ चाय है और आपको जो भी चाहिए आप वो टेस्ट कर सकते हो। और बेसिकली इनका ये रहता है कि
एक तरीके से कि अगर आप टेस्ट करोगे आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदोगे भी। साथ में बाहर साइड में पूरा ग्लास लगा रहता है, अंदर पूरी मशीनें चल रही होती हैं। बेसिकली इनका काम हो रहा है आपको बाहर से देखना है, और पूरा डायग्राम वगैरह पूरा बना है बाहर। यहाँ पे कोई वीडियो नहीं चल रहा था, यहाँ पे डायग्राम बने हुए थे और काफ़ी कुछ जो है वो लिखा हुआ था। तो बच्चों को जो है आप खुद पढ़ सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक टी फैक्ट्री में जो है वो काम होता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि बच्चों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एक कप चाय पीने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है वो मुझे यहाँ पे जाकर पता लगा। हम तो एकदम से आराम से एक कप चाय पी लेते हैं, बट उस चाय पत्ती को बनाने के लिए कितनी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये मुझे देखकर बहुत ही हैरानी हुई। और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, बट हाँ ये जो जगह है नो डाउट कमर्शलाइज है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे आपको कोई चीज़ पसंद आएगी तो आप ले भी सकते हैं। और यहाँ पर जो है टी जो है वो सैंपल में मिल रही है, आपको जो भी टी है वो पीना है पी सकते हैं 1 कप। और हम लोग को जो है मसाला टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और दिमांशु की तो फेवरेट है ग्रीन टी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है जो टी शॉप है वहाँ पर विज़िट करी और काफ़ी सारी चाय पत्ती हम लोगों ने ख़रीदी, क्योंकि हमारा यही था। हम कल भी हमारी बात यही हो रही थी कि हमको जो है चाय पत्ती लेनी है, क्योंकि ऊटी की चाय पत्ती बहुत ही अच्छी होती है, और अगर आप भी वहाँ पर जाएं तो डेफिनेटली जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है हमेशा नाम सुनते रहते हैं ताजमहल, टाटा टी और यही, इनसे बढ़कर हम जाते ही नहीं हैं, बट आप डेफिनेटली यहाँ की जो चाय पत्ती है ऊटी की तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सही चाय पत्ती है। अब जो है हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट फ्लोर में जो है चॉकलेट की शॉप है, सेकंड फ्लोर में टी की शॉप थी और फर्स्ट फ्लोर में चॉकलेट की शॉप थी। तो हम लोग अब चॉकलेट शॉप में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ चॉकलेट मिल जाएगी। स्टार्टिंग यहाँ पर है 70 रुपीज़ की 100 ग्राम चॉकलेट, तो यहाँ से भी जो है हमने काफ़ी सारी चॉकलेट ली, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, तो मैंने यहाँ से जो है काफ़ी सारी चॉकलेट ली थी। और आप अगर आए तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं। ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है ना, ये भी चॉकलेट का स्टैचू है, मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, बहुत सही सही डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट यहाँ पे मिली। और उसके बाद जो है हम लोग ग्राउंड फ्लोर में पहुँचे थे, और ग्राउंड फ्लोर में भी जो है एक शॉप है, मतलब रास्ते में बड़ी सारी शॉप्स हैं, पूरा कमर्शलाइज ही है आप कह सकते हैं, कि सबसे पहले आप पूरा ऊपर से घूमिए, फिर नीचे आते आते अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप का सामान था, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग करी। मैगी किस किस को पसंद है, उठाओ हाथ। इतने सारे लोगों को पसंद है। चलो इसी बात पे जो है सबको मैगी मिलेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तो मैंने खाने वाली हूँ 1.5 मैगी। उसके बाद हम लोग रास्ते में एक जगह रुके, और यहाँ पर ये वाला जो जगह है यहाँ से हम लोगों ने मैगी खाई, क्योंकि मुझे जो है पर्सनली मैगी बहुत पसंद है। मैं और मनन जो है मैगी खाकर कार में आ गए थे, और ये लोग अभी भी जो है मिष्टी बहुत स्लो खाती है, तो ये भी अभी खा रही है। और उसके बाद जो है ये लोग हैंड वॉश के लिए जगह ढूंढ रहे थे, फिर सडनली इन्हें याद आया कि पीछे जो है पानी है, तो इन लोगों ने यहाँ पर हैंड वॉश किया। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लंच भी जो है हमारा अभी ऊटी में ही हुआ है, तो काफ़ी टाइम जो है पहुँचने में लगेगा। और अभी हम जो है पहुँच चुके हैं बैंगलोर, और रात में जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया रास्ते में रुक कर, उसके बाद हम लोग पहुँच गए। तो आई होप आज का व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। सेफ गर्ल रिस्पेक्ट वुमन सी थॉट के साथ मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।